सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाएं मानसून स्तर पर बढ़ चढ़कर पौधारोपण कर रही है। बंगाली के बरछाई घाट व समीप के जंगलों में इंडक्शन शैक्षणिक संस्था माउंट लिटरेजी स्कूल के बैनर तले डायरेक्टर मयंक राज सिंह भदौरिया के निर्देश में स्कूली बच्चों व शिक्षकों ने उत्साह के साथ बीज व पौधे का रोपण किया। जंगल में बच्चों सहित स्कूल परिवार ने फल फूल और छायादार पौधे का बीजारोपण किया। इसी के साथ बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताकर संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। बच्चों को लेकर आए हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने आज सब दूर सीट बॉल लगाई है। हम बच्चों को बताना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ियों को बताना चाह रहे थे कि पौधे लगाने से क्या होगा। और वैसे ही ये बहुत कम पौधे हो गए हैं दुनिया में, बहुत पेड़ों की कटाई होने लग गई, जंगल की कटाई होने लग गई है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को माउंट लिटरेसी स्कूल की ओर से लेकर आए हैं और हमने सब दूर सीट बॉल लगाई। क्या नाम है आपका? अंजन हल्दर। देवास जिले के हाटपिपलिया से इस वर्ष 6 लोगों का चयन हज यात्रा के लिए हुआ। जिला कांग्रेस महामंत्री राजेश तंवर द्वारा हाजियों का स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता व गंगा जमुना हजी भी देखने को मिली। जब हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को हज पर जाने के पूर्व भाव विभोर होकर गले मिलकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर कहा कि हमारे लिए भी अल्लाह के दरबार में देश में अमन व भाईचारे व सुख समृद्धि के लिए दुआएं करना व मदीने वाले से हमारा सलाम कहना। हज पर जा रहे हज यात्रियों ने नम आंखों से सभी मिलने वालों को जाने अनजाने में हुई गलतियों से माफी मांगी। नगर में इस्लाम मंसूरी व उनकी पत्नी इब्राहिम मंसूरी और उनकी पत्नी पीर मोहम्मद मंसूरी व उनकी पत्नी हज यात्रा पर जा रहे। स्वागत समारोह में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने शामिल होकर हज यात्रियों का स्वागत किया। कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस संबंध में आयोजित किया गया बताए जरा। ये हमारा हाट इंडिया से मक्का मदीना जा रहे हैं और हमारे गाँव में हिंदू मुसलमान कि एकता बहुत वो है और हम हमेशा जो भी यहाँ जाते हैं मक्का मदीना तीर्थ जाते हैं उनकी हमेशा हम हिंदू मुसलमान मिल के उनका स्वागत करते हैं और ईश्वर से अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो और हाटुपिया के लिए, हाटुपिया के जो आसपास ग्राम क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए एकता ऐसी बनी रहे, यही हम इनको विदा करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजेश तंवर, जिला महामंत्री कांग्रेस। छत्तीसगढ़ SCL चिरमिरी क्षेत्र के कोयला खदान श्रमिकों को वसूली गैंग से मिली राहत। विधायक प्रतिनिधि बनने से आम नागरिक को श्रमिकों को मिल रहा है फायदा। इस संबंध में महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि मेरे द्वारा हर विभाग में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का फायदा जनता का होता है। किसी भी विभाग में संबंधित जनता की समस्या का निदान फौरन होता है, जनता को इसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। इस तरह सबसे बड़ा प्रत्याशी उदाहरण SCL चिरमिरी क्षेत्र है, जहां पर नाम में अंतर या पिता के नाम चुटिया के वजह से 400 से 500 के आसपास कारीगरों को रोजी रोटी छीन सकती थी, जिसकी विभागीय इंक्वायरी बिठा कर रखी गई थी, जिसमें चिरमिरी क्षेत्र के कई कोयला खदानों के मजदूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और कुछ लोगों ने गर्दन से तलवार लटक रही थी। इस पूरे मामले का कुछ असामाजिक तत्व और वसूली के दलालों के प्रति महा कोयला कारीगरों को नौकरी से निकाले जाने का भय दिखाकर लाखों रुपए की वसूली हर माह कर रहे थे। मेरे विधायक बनने के बाद जब SCL ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया तो पता चला कि चिरमिरी क्षेत्र की NCPH कोयला खान में श्रमिक काफी वसूली गैंग से परेशान थे। तब मुझे इन सारी समस्याओं के बारे में पता चला तो पिछले 6-7 माह के भीतर मैंने इस मुद्दे को पुरजोर से उठाया, जांच की सारी प्रक्रिया में रोक लगाई, खान श्रमिकों के खिलाफ चल रही इंक्वायरी से उन्हें क्लीन चिट दिलाने में कामयाबी प्राप्त हुई।